एक कढ़ाई में राई के तेल और घी को गरम करें और इसमें हींग और जीरा डालकर 30 सेकंड के लिए भून लें। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्ची डालें। इसे अच्छी तरह से मिला लें और भूरा होने तक भून लें। अब इसमें सूखे मसालों की पेस्ट डालकर 2 से 3 मिनट के लिए भून लें। इस पेस्ट में कौन से मसाले हैं ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़ें। अब इसमें टमाटर की प्यूरी डालकर इसे 6 से 8 मिनट के लिए मध्यम आंच पर भून लें। अब इसमें कटे हुए बेल पेपर्स और प्याज डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अब इसमें कसूरी मेथी डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अब इसमें मलाई डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। अब इसमें कटे हुए पनीर के टुकड़े डालकर 4 से 5 मिनट के लिए मध्यम आंच पर पकने दें। गर्मा गर्म पनीर कढ़ाई परोसने के लिए तैयार है।